जी तो सबको अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के टॉपिक हमारा है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हम लोग की जैसे कि हंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, सोर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, डिस्कशन बहुत सारी हो चुकी है उस पर। ठीक है, तो अब नई कहानी है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, लिस्टिंग दिखती कैसे है, होती कैसे है? सबसे पहले तो हम सर इनको अमेजोन के पेज पे ले जाते हैं कि वो हुई कहाँ पे हुई होती है, वो थोड़ा जरा इनको शो करवा देते हैं। इसी तरह हम लोग यूके की मार्केट ही खोल लेते हैं। तो प्रोडक्ट हम यहाँ पे फ्राइंग पैन लिख लेते हैं, इसी को हम एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे किसी भी सेलर की हम प्रोडक्ट खोल लेते हैं, स्पॉन्सर्ड वाले छोड़ लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ब्लैक मोर फ्राइंग पैंस, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इसको बोलते हैं हेडिंग। ठीक है, ये बेसिकली इन्होंने हेडिंग दी हुई है। सबसे पहले इन्होंने ब्रांड नेम लिखा है ब्लैक मोर, उसके बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट का नेम लिखा है, उसके बाद कलर्स लिखे हुए हैं, फिर उसका मटेरियल लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें, आगे आप मजीद कलर डाल सकते हैं, जो उसका साइज है वो लिख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन जो भी है। अच्छा, इसको कहते हैं हेडिंग। नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बने हुए होते हैं। ये देखें, अबाउट दिस आइटम। ठीक है, और टोटल 5 बुलेट पॉइंट्स ही बनाने होते हैं। अब ये कैसे बनाने हैं, इसका तरीका हम सीखने जा रहे हैं। सो बेसिकली ये सारी होती है लिस्टिंग। ठीक है, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन होगी, हेडिंग होगी, बुलेट पॉइंट्स हो गए। तो अच्छा, अब हमें याद होगा कि हम लोगों ने सेरेब्रो यूज किया था हीलियम 10 का, और वो हमने क्यों यूज किया था, हमने अपनी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड निकालना था। ठीक है, आज हम फिर से सेरेब्रो यूज करने जा रहे हैं। क्यों यूज करने जा रहे हैं, हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्ड निकालने के लिए वो यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे यूज करना है, हंटिंग के दौरान जब हम लोग हीलियम 10 की एक्सरे शीट रन करते हैं, ठीक है, उसको जब हंटिंग के बाद जब हम कंपेटिटर सिलेक्ट कर लेते हैं ना, उस कंपेटिटर का ASIN नंबर कॉपी करना है। कैसे कॉपी करना है मैडम, सर? फॉर ये लिखी एग्जांपल, हुई है इनकी डिस्क्रिप्शन, वही मैं ढूंढ रहा था यस किधर सर, गई इसकी डिस्क्रिप्शन, ये वाली है। बस इनको थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर दिखाना था। ये ही तो आज हम सीख रहे हैं, ये खुद सीख जाएंगे, नो वरीज एट ऑल। ठीक है, अच्छा ये सारी ठीक है, चीजें अब हम ये लोग तो यहाँ जाके लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जाके पुट करेंगे ना, ये मैं कल मैंने बोला है, ठीक है, मैं आपको अकाउंट में जो है ये पुट करना सिखाऊंगा, ठीक है, एक्चुअल जो जो लिस्टिंग करनी यस, है ना वो करने सिखाएंगे, इस तरह से होती हैं, ठीक है, रियल आपको अकाउंट पे, ये मिलता यस है यहाँ पर, ये UPC नंबर वगैरह ये सारा दिखाएंगे, अभी तो ये फिलहाल फोटो दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, अकाउंट में इंशाल्लाह कल। अच्छा जी, यस मैडम अच्छा। लोग सब सोच रहे होंगे सर, इनको जी, थोड़ा ये बताना जरूरी है कि लिस्टिंग बनानी क्या बड़ी बात है, एक फ्राई पैन ही तो है, इसके अकॉर्डिंग 5 बुलेट पॉइंट्स ही नहीं तो नहीं बनाने हैं, नहीं बिल्कुल नहीं बड़ी नहीं कोई बात नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल लेकिन लेकिन हम लोग सेरेब्रो आज क्यों यूज करने जा रहे हैं, हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इस विनिंग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लोग इस प्रोडक्ट को जो कुछ भी लिख के सर्च करते हैं ना, वो सारे कीवर्ड्स हमारे पास आने चाहिए। ठीक है, हम हर बुलेट पॉइंट में वो वाला कीवर्ड यूज करके अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, हेडिंग में भी लगाएंगे, ताकि जो भी हमारी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग रिलेटेड कीवर्ड सर्च करे तो हम लोगों की प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता रैंक पे जाना शुरू हो जाए। और नॉर्मली ये चीज आप लोग लिख लें, 30 से लेके 35 तक हमें ऐसे कीवर्ड्स चाहिए होते हैं जो हम लोगों ने अपनी लिस्टिंग में यूज करने हैं, अच्छा, एक और बात मैं ऐड वो वाले करूंगा, कीवर्ड्स जो यूज होते हैं। जी सर,
एक और बात बात ऐड करूंगा मैं इसमें, ये कंटेंट राइटिंग है, ठीक है। अगर आप समझते हैं आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, तब आप ये काम करें, ठीक है। अदरवाइज जो बिजनेस ओनर है वो ये खुद ही कंटेंट राइटर से लिखवाता है, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, वो यस हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आती थी आज से पहले कंटेंट राइटिंग, कोई बात नहीं, आज आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो यस और अमेजोन पे कोई भी आता है ना, वो अपना जब समझता है कि बिजनेस रैंक करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, तो वो कंटेंट राइटिंग के लिए पैसे देके ये चीजें लिखवाता है। तो हम तो ये बन रहे हैं, हमें तो ये चीजें खुद से पता होनी चाहिए, ताकि कल अगर हम अमेजोन पे बिजनेस करने जाएं तो हमें किसी वीए को हायर करने की जरूरत ही ना पड़े। जी मैडम, हीलियम अच्छा, टेन अब पे फॉर एग्जाम्पल, यस सर, अमेजोन के पेज पे चलते हैं, ASI नंबर्स कॉपी करने हैं। अब ये बात इन सब बच्चों को क्लियर है कि हम लोग कंपेटिटर कैसे ढूंढते हैं। ठीक हो गया, उस कंपेटिटर का हम लोगों ने ASI नंबर उठाना है। अब मिसाल के तौर पे हम यहाँ से किसी का भी उठा लेते हैं, उसको आप मैडम, इनको कंपेटिटर क्लियर करें, ये समझिएगा। यहां से नहीं उठाना कंपेटिटर, कहां से उठाना है इनको बता दो। एक्सरे शीट, एक्सरे शीट, एक्सरे जी, शीट जब हम रन कर चाहे लेते वो हैं जंगल उस स्काउट की बा... हो या वो हीलियम टेन की जी हो, ठीक है, जी क्लियर है यहाँ तक सबको। क्लियर है ये बात सबको? हम यहाँ पर ये एक्सरे शीट नहीं रन करेंगे, हम वैसे ही रेंडमली यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। सिर्फ ASI नंबर हमें उठाना है, एक कॉम्पिटिटर का उठाना है और तीन क्लियर, टॉप 10 में से, ठीक है। ओके सर, बच्चों को क्लियर है। गुड हो गया, अच्छा, सबसे पहला जो आप लोगों ने इधर ASI नंबर डालना है कंपेटिटर का, सर फटाफट से कॉपी कर लेते हैं हम लोग ASI दे नंबर। रहा। एक मैंने ये उठा लिया, दूसरा मैं कहता हूँ वहीं से लिस्ट ही मुझे लेने थे, मैं तो ऐसे ही रेंडमली यहाँ से उठा रहा हूँ, ठीक सर है, सर पहले पहला डाल लीजिए, क्योंकि बाकी जो तीन है उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। ठीक पहले है, सिर्फ कंपेटिटर का हम लोग एंटर कर लेते हैं। ठीक है। ये वाला था ना, नहीं, किरण नाज पूछ रही है, ये सर ये मैं साथ के साथ इनको क्लियर करना चाहती हूँ। किरण पूछिए, जिसके रिव्यूज ज्यादा हो उसका ASI नंबर उठाना है। नहीं नहीं किरण, ये बेटा, बात हमने मेन कीवर्ड के लिए कही थी। आज हम लोग लिस्टिंग के लिए कर रहे हैं, तो हमने जो अपना कंपेटिटर सेलेक्ट किया है ना, सिर्फ और सिर्फ उसका ASI नंबर उठाना है। और वो कहाँ से उठाना है, जब आप एक्सरे शीट रन करते हैं हीलियम 10 की या जंगल स्काउट की, वहां से जो आप कंपेटिटर सेलेक्ट कर लेते हैं ना, उसका ASI नंबर। एनालाइज जब आप करते ठीक हैं है, ना, तब आपको कंपेटिटर आप अपना निकालते हैं ना, वो कंपेटिटर की बात कर रहे हैं। चार जो कंपेटिटर हम निकालते हैं, C1, C2, C3, C4, फर्स्ट वाला जो होता है उसका हमने, वो हमारा कंपेटिटर होता है, ठीक है। बाकी टॉप 10 में से हम टॉप 3 वाले को के ASI नंबर हम निकालेंगे, ठीक है। अब ये तो हम रेंडमली यहाँ से ले रहे हैं इसका ASI नंबर, ठीक है। आपने लिस्ट से लेना है, एक्सरे शीट से, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी यस किया, और इसको हमने पेस्ट कर देना है सेरेब्रो में, हीलियम 10 में अभी जाके ये सेरिब्रो सेरेब्रो मैंने ओपन करेंगे। ओपन यस किया, और सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, हम यूके की मार्केट पे काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पहले यूके को सेलेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल, इसका इस चीज का ख्याल रखिएगा, यूके की मार्केट। टोटल 4 यहाँ पे हम लोगों ने ASIN नंबर एंटर करने हैं। अब बाकी 3 कहाँ से करने हैं? एक्सरे शीट में कंपेटिटर को सिलेक्ट करने के बाद जो टॉप 10 में हाईएस्ट सेल्स वाले सेलर होंगे ना, उनमें से 3 सेलर्स के हमने ASIN नंबर कॉपी कर लेने हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों की टॉप हाईएस्ट वाले सेल्स वाले सेलर हैं, तो मैं इनका ASIN नंबर कॉपी कर लेती हूँ। अच्छा, ये हम रेंडमली उठा रहे हैं ना, यहाँ से आप लोग यस सर, नहीं उठाइएगा, आपको शीट से उठाने हैं, बार बार हम कह रहे हैं, भूलिएगा नहीं, आपको इस शीट क्योंकि पे आना शीट ही से नहीं है। इजी होता है, हाँ एक्चुअली शीट से उठाना इजी होता है, क्योंकि वहां पे सारा एनालाइज हुआ पड़ा होता है। ऑलरेडी, ठीक है, हाँ, जो आप एक चीज वो उसको फॉलो कर रहे होते हैं ना, चेज कर रहे होते हैं, हाईएस्ट सेल हाईएस्ट वाले, सेल्स वाले, जी जी आपकी ऐशा नाम बिल्कुल ठीक, शीट पे बिल्कुल एक्सरे शीट पे। टॉप 10 में से ये पॉइंट लिख लें, मिक्सिंग नहीं कर देना।
आज थोड़ा सा जो है ना वक्त निकाल के आप लोग बैठ जाएं। ये देखें यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वाला है, ये मुझे नहीं और उठाना है, स्पॉन्सर्ड लेकिन वाले नहीं। हाँ आप लोगों ने नहीं उठाने, हम तो रेंडमली उठा रहे हैं बस, इसीलिए कि हम एग्जैक्टली तो यस, नहीं कर रहे हैं ना, वो तो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। आप बस ये सारा ये देखिए प्रोसीजर सीखें स्पॉन्सर्ड लिखा गौर हुआ है, से। ठीक है, ये नहीं उठाना क्योंकि हमने पहले ही एक्सरे शीट पे स्पॉन्सर्ड वाले तो हम मिटा चुके होते हैं, हटा चुके होते हैं, वहां पे तो आएगा भी नहीं। ये तो मैंने ऐसे ही रेंडमली उठाया, इस वजह से आया है। ठीक है, पहला वो वाला डाला, ठीक है, फर्स्ट कॉम्पिटिटर, सेकंड ये वाला, ठीक है, अभी ये थर्ड, फोर्थ, चार लेंगे। ये वाला भी स्पॉन्सर्ड ही आया है, चलो कोई बात नहीं, फिलहाल उठा लेते हैं। कीवर्ड ही हमें चाहिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं उठाना, सही है ना? जी मैडम जी सर, आप बस इनको कॉपी पेस्ट कर लीजिए फिर। जी, हो गया अच्छा जी, मैडम, यहाँ पे एंटर करके हम लोगों ने सिंपल जाना है गेट कीवर्ड्स पे, कहीं चेक नहीं लगाना, सिंपल गेट कीवर्ड्स पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अच्छा जी, ये इसने हमें रिजल्ट दे दिए। फटाफट से मैं ये जहाँ लिखा हुआ है ना वर्ड काउंट 2, तो यहाँ पे आके मैं 1 लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? क्योंकि अब मुझे वो वाले कीवर्ड्स भी चाहिए जो ओनली 1, जैसे फ्राइंग पैन 2 हो गया ना, फ्राइंग पैन। अब मुझे वो चाहिए कि जो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो 1 टाइम भी लोग लिखकर सर्च करते हैं, मुझे वो कीवर्ड्स भी चाहिए। अब सर्च वॉल्यूम में मैं यहाँ पे जाके लिख लेती हूँ 300। 300 मैंने क्यों लिखा है? मैं चाहती हूँ 300 से कम सर्चिंग वाले कीवर्ड्स मुझे ना दिखें। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब इसने हमें रिजल्ट सारे शो कर दिए। सर, इनको रिजल्ट दिखा दीजिए जरा। अच्छा, अब यहाँ पे अगला स्टेप कॉपी पे लिख लें। ठीक है, जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे ना, उसके लिए जब हम मेन कीवर्ड ढूंढ रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने यहाँ से कुछ भी सॉर्ट नहीं करना, लेकिन ये हम लिस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम है ना, इसको आप लोग हाई टू लो पे सॉर्ट करेंगे। डबल क्लिक कर लेंगे ना, तो ये हाई टू लो पे ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा सर्च वॉल्यूम वाली लाइन पे। ठीक है, ये देखें, वो बता रहा है कि सर्च वॉल्यूम हाई टू लो पे सॉर्ट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, अब ये बहुत सारे इससे मुझे कीवर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अब सिंपल मैंने जाना है एक्सपोर्ट पे, ये वाला ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे। सिंपल इसको एक्सेल शीट पे या सीएसवी पे आप लोग कर लें, एक्सेल शीट पे कर लेते हैं इसको डाउनलोड।
ये देखें यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जब भी डाउनलोड हो जाएगा तो इसको हमने ओपन करना है। ये काम हम लोग ध्यान से कर लेंगे ना, आउट क्लास आप लोगों की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी और उसको रैंक होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। लेट्स वेट, इसको हम खोलते हैं अभी। अच्छा, मेरी जो है एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन नहीं हो रही, इसलिए मैं गूगल ड्राइव पे इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, यस सर, ओके, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट, ठीक है। आप लोग जब डाउनलोड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से खुलेगी एक्सेल शीट पे। अच्छा, अब यहाँ पहले ना हम इस शीट की सेटिंग बना लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो स्पॉन्सर की हेडिंग के साथ जितने भी कॉलम्स है ना उनको मैं हाइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उनको नहीं देखना, उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे। और ये लास्ट में ये देखें, जो 3 ASIN नंबर्स हम लोगों ने पुट किए थे ना, हाईएस्ट सेल्स वाले, ये उसका सारा डाटा ये हमें शो कर रहा है। और ये कंपेटिटर की परफॉर्मेंस था, और जो पहला ASIN नंबर था वो कंपेटिटर था, उसने यहाँ पे हमें शो भी कर दिया है कंपेटिटर परफॉर्मेंस। वो सारी जो कंपेटिटर के नेम से सारी चीजें थी, वो हमारे जो फर्स्ट ASIN हमने डाला था ना उसकी सारी वो डिटेल्स शो कर रहा है। तो इनमें से जो स्पॉन्सर्ड के नेम से जो चीजें, हम ऐसे करके उन्हें बंद कर लेते हैं, नो नीड। और ये सारा काम आप सब लोग अच्छे से देख लें, ये आज की आपकी असाइनमेंट है जो आपको आज मिलनी है। पोजीशन रैंक ये रहने दें, इसको नहीं छुपाना, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है, पहले आप लोगों ने अपनी शीट को सेट कर लेना है। अब मैं सेट करने लगा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर यस, क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कहाँ गया, ये रहा, इसको सेंटर करें, इसको क्लिक करें, इसको सेंटर करें, सेंटर होते जाएंगे। ठीक है, करते जाएं और भरते जाएं। एक मिनट, ये सारी चीजें इसको खूबसूरत लगेगी ये ऐसे। ठीक है, कोई भी चीज आप लोग फाइल रिपोर्ट जो भी बनाए प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखा करें। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, अभी और भी चीजें इसमें दिखाता हूँ। फिल्टर भी लगाना है इसमें, लेकिन पहले एक चीज कर लेते हैं। अच्छा जी, बाकियों को रहने देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से, ये तो हमने कर ली एक सेटिंग। ठीक है, अब क्या यस करना है, सर, फिल्टर करना है। ठीक है, यहाँ से आके आप इसको फिल्टर कर दें। ठीक है, क्रिएट न्यू फिल्टर। अब ये फिल्टर लग गया इसको। ठीक है, फिल्टर करने के बाद आपका ये जो स्कोर है इसको आप छुपा दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम है इसको,
सर्च वॉल्यूम को इधर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप यहाँ से करेंगे, ये ए टू जेड करें, जरा देखें क्या हो रहा है। ये क्या हुआ, जैसे लो टू हाई होता है ना, लो इस टू तरीके से हाई, शो कर दिया इसने। बिल्कुल। अब देखें क्या हमें हुआ, जेड टू ए चाहिए। अब देखेंगे, ठीक है। ये हो गया, यस सर। उसके बाद क्या करना है, ये क्लिक किया, यहाँ से लेफ्ट करना है मैडम, ठीक यस सर, लेफ्ट साइड पे है, ये हमें चाहिए। ठीक है यस। जी अच्छा मैडम। जी, अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है, जो असल चीज यहाँ पे करने वाली है। फ्रेज मतलब कीवर्ड्स, ठीक है। सबसे पहला कीवर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सर किधर चला गया वो? ए बैटरी, डबल ए बैटरीज, डबल ए बैटरीज। ओके। अच्छा, हम लोग फ्राई पैन पे काम कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे अब जितने भी कीवर्ड्स है ना, इनको हमने रिलेवेंट, चेक करना है कि इनमें से कौन सा रेलिवेंट है, कौन सा इररेलीवेंट है, और कौन सा सुपर रेलिवेंट है। अब सर वो किधर चला गया? दोबारा लेकर आऊं, आ गया। सर उनको दोबारा रहने दें, इनके इनको रेड कलर या तो कर दें, क्योंकि बैटरीज के नेम से पता चल रहा है फ्राई पैन नहीं है, ठीक सही है। है, इसके आगे हम लिख देंगे सॉरी, इररेलीवेंट। इसके आगे हम इररेलीवेंट लिख देंगे। अगर इररेलीवेंट नहीं लिखना तो इसको रेड कलर कर देना, ताकि हमें पता चले ये बेकार है। अच्छा, आयरन, हम लोग तो फ्राई पैन पे काम कर रहे हैं। विस्की, नो नीड। अब सर जो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, जरा उनपे दिखाइएगा। स्टीमर एंड पॉट, नहीं पॉट भी नहीं। अब ये क्या है, किचन के नेम से जो है हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। जिन पे हमें डाउट है ना कि पता नहीं ये रेलिवेंट है या इररेलीवेंट है, हमें नहीं पता, हम उनको कॉपी करेंगे और अमेजोन पे जाके उसको पेस्ट करके देखेंगे कि ये फ्राई पैन हमें शो कर रहा है, ये टोटल कोई अलग से कीवर्ड है। नहीं सर, फ्राई पैन तो नहीं ये शो कर रहा। तो ये रेलिवेंट है, यस सर, थोड़ा नीचे आ जाए। अगर फ्राई पैन अगर दिख दिख जाता है, तो हम इसको फिर भी रेलिवेंट में लिख लेंगे, उसको हम बुलेट पॉइंट्स में यूज करेंगे इस वाले वर्ड को। बट नहीं है तो छुरी कांटे ही दिखा रहा है, चमचे दिखा रहा है। नहीं, इसमें फ्राई पैन नहीं है, हम जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये भी इररेलीवेंट है। अब हम वापस एक्सेल शीट पे चले जाते हैं। यस, फ्राइंग पैन। अब ये तो देखिए, फ्राइंग पैन ही हमारी प्रोडक्ट है। इसके आगे हम लिखेंगे सुपर रेलेवेंट, ठीक है सर। इसके आगे सुपर रेलेवेंट लिख दीजिए। यस। अब ये अगला क्या है, मैं तो नहीं जानती कि क्या प्रोडक्ट है। हम इसको कॉपी करके पेस्ट करके देख लेंगे। आई थिंक ये कार्टून नेम था। ओके सर, हम वापस एक्सेल शीट में चलते हैं, ये भी रेलिवेंट है। सर आप इसी तरह नीचे आते जाएंगे, जैसे ये वॉक लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी कीजिएगा सर, ऊपर 23 नंबर पे। इसको हम कॉपी करेंगे। अब ये देखें, ये फ्राइंग पैन की शक्ल तो दे रहा है, मतलब प्रोडक्ट तो वही शो कर रहा है, तो ये भी हमारा रेलिवेंट कीवर्ड हुआ। तो हम एक्सेल शीट पे जाके इसके आगे लिखेंगे रेलिवेंट। इसको हम अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज करेंगे, इस वोक वर्ड को, ठीक है। लोग इसको लिख के सर्च करते हैं। किचन का आइटम है, डेफिनेटली किचन भी रेलिवेंट ही हुआ वर्ड। इसके आगे भी हम रेलिवेंट लिखेंगे। पैन भी रेलिवेंट है, कुकवेयर भी रेलिवेंट है, डिनर सेट्स तो आई थिंक इररेलीवेंट है।
सर ये क्या है, इंडक्शन पैन सेट सर, इसको कॉपी करके खोलिएगा 30 नंबर पे। नो सर, निंजा नहीं, यस सर ये बना, यस ठीक है। ये एक एक कीवर्ड पे आपने तवज्जो से देखना है। आप ये देखें, इसमें भी फ्राइंग पैन तो दिख रहा है ना, बेशक और बहुत सारी चीजें भी दिखा रहा है, बट फ्राइंग पैन तो है, इट मींस ये रेलिवेंट है, तो हम इसके आगे भी लिखेंगे रेलिवेंट। वो बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा, हम सिर्फ आपको ये हम थोड़े से करके दिखा रहे हैं, यस क्योंकि ये प्रॉपर जॉब है, प्रॉपर तरीके से आपने इसको आराम से बैठ के एक एक कीवर्ड को देखना है, इससे मजीद भी चलते हैं। ये तो अभी मैनुअल तरीका हम दिखा रहे हैं ना, ऑटोमेटिक भी हम आपको आगे चल के पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इस पे वर्किंग कर लें आप। जी मैडम, सो ये मास्टर शेफ रेलिवेंट होगा या इररेलिवेंट होगा, इसको भी आप कॉपी करके पेस्ट करके अमेज़न पे देख लीजिए, 16 नंबर पर है, अभी पता चल जाता है कि इट्स रेलिवेंट और इररेलिवेंट। ठीक है। ये काम बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जो हमने फ्रैंकिनस्टाइन यूज करना है और जो स्क्रिबल्स यूज करना है, उसके लिए आपकी अच्छे से छांटी हुए हुए कीवर्ड्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। इस काम में आप लोगों ने डंडी नहीं मारनी। यस, इसमें भी सर फ्राई पैन शो हो रहा है, ये भी रेलिवेंट है। हमारी सारी तवज्जो अपनी प्रोडक्ट पे होनी चाहिए, जिस भी कीवर्ड पे हमारी प्रोडक्ट की झलक भी आ रही है ना, वो रेलेवेंट होगा। सर एक्सेल शीट पे अब हम मास्टर शेफ के आगे रेलिवेंट लिख लेते हैं। अच्छा, जब ये लिंक एंड हो जाएगा तो नमाज का ब्रेक होगा, ठीक है, उसके 10 मिनट्स के बाद फिर आप लोगों को न्यू लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। सर एक्सेल शीट पे जाना था हमने। यस ठीक है, अब ये तरीका समझ में आया कि रेलिवेंट और इररेलिवेंट हम लोगों ने कैसे देखने हैं। समझ में आ गया तो लिखते हैं कि ओके। ठीक है, और यही आपके आज की असाइनमेंट है कि आप लोग जिस भी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे, इसी तरह आपने उसके कीवर्ड्स निकालने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारे वन टू ऑल जब आप चेक कर लेंगे ना, जब छांटी हो जाएगी कि इररेलीवेंट सारे निकल गए, आपको पता चल गया, जो पीछे रेलिवेंट और सुपर रेलिवेंट होंगे ना, सिर्फ उन कीवर्ड्स को हमने कॉपी करना है, ठीक है, उन कीवर्ड्स को हमने कॉपी करना है। अभी पूरी शीट जब आप चेक कर लेंगे तो इसमें से जितने भी इररेलीवेंट होंगे ना, उन सबको आप डिलीट कर दीजिएगा। सर इनको थोड़े से डिलीट करके दिखाइएगा, और ये जो तीन है ना, इनको करीब करीब कर दें, ताकि इनको कॉपी करना इजी हो जाए। मैडम अभी 1 मिनट सिर्फ बचा है, दूसरा लिंक देना होगा फिर मुझे। सर अभी नमाज का भी टाइम है, अजाने अभी हुई है, इनको बोल दीजिए आप के नमाज ब्रेक है 10 मिनट के बाद, 10 मिनट में फौरन आ नमाज का ब्रेक जाइएगा है, फिर फिर सब लोग। करते हैं इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, ये आज जो है मैन्युअल ये पढ़ा है, नेक्स्ट लिंक में जो है वो
फिर हम ऑटो की तरफ चलते हैं। इनको, यस, इनको कॉपी करके आगे कहाँ पे पेस्ट करना है, फिर मजीद आगे क्या करना है वो अगले लिंक में आपको बताएंगे। जी सो चले यहीं जी, से इसको नमाज कंटिन्यू पढ़िएगा कीजिएगा सब या लोग, से फिर आते हैं डिलीट मिलते हैं। करके। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट के बाद देता हूँ लिंक।